अब देखिएगा ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन है टू uh, मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली ये पूछा जाता है आपको तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन ये कहता है कि टू एंड्स ऑफ अ रोड आर कैप्ट एट 127 डिग्री एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अब आप जानते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर अगेन आपको किस चीज़ में दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो इसको चेंज कर लेंगे कैलविन में क्यों कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल ऑफ़ एक टेम्परेचर है और वो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ़ टेम्परेचर किस में है आपका कैलविन में है ठीक है तो इसीलिए इसको चेंज करेंगे अब सपोज आपका T1 जो है वो 127 डिग्री है तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड में जब आप 273 ऐड कर देंगे तो ये आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा विच इज इक्वल टू 400 हंड्रेड कैल्विन नाउ अगेन टी जो आपका है वो कितना है टू डिग्री सेंटीग्रेड अब ध्यान रखना यहाँ पे आपको सोर्स और सिंक के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि ये इंजन नहीं है इट्स अ रोड ठीक है तो यहाँ पे ऐसा मत कर जाना कि T1 वन क्यों लोअर ले लिया T2 टू क्यों हायर ले लिया यहाँ हमारा इंजन से कोई मतलब नहीं है सो टू टू सेवन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू सेवेंटी थ्री इसको कैलविन में चेंज करेंगे ये हमारा हो जाएगा फाइव हंड्रेड कैलविन नाउ अगेन हम अपने काम पर आ जाते हैं जो कि हमें करना था चेंज इन एंट्रोपी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एस से सो डेल्टा क्यू मतलब जितना हीट उसमें जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ टू थाउजेंड कैलोरीज ऑफ हीट फ्लोज तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हो गया हमारा टू थाउजेंड कैलोरीज टू थाउजेंड कैलोरीज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मतलब कितना हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस है विच इज इक्वल टू हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अब यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर हमारा टी टू है सो टी टू माइनस टी वन बट इन कैलविन ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर किस चीज़ में होना चाहिए आपका दोनों टेम्परेचर कैलविन में होना चाहिए तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है तो ये हमारा इक्वल टू आ गया टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड कैलविन ठीक है और ये हमारा ऊपर था कैलोरीज में सो दिस इज इक्वल टू टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड कैलोरीज पर कैलविन सो ये इक्वल टू हो गया ट्वेंटी कैलोरीज पर कैलविन सो दिस इज योर आंसर ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान था टू मार्क्स में था एंड बट इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि टेम्परेचर को कैलविन में कन्वर्ट कर लेना है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए चलिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स को इसको शेयर कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट एंड अगेन ऑल द बेस्ट